नमस्कार दोस्तों। दोस्तों भारत के इतिहास में वो समय अब चला गया है जब विदेशों में बैठी हुई सरकारें भारत के बारे में कुछ भला बुरा बोलती थी तो भारत के अंदर उथल पुथल मच जाया करती थी और भारत के अंदर रहने वाले वो बुद्धिजीवी नाराज सा फील करवाते थे भारत की सरकार को और भारत की सरकार में एक इंटेंस प्रेशर देखने को मिलता था। कभी कभी तो ऐसा होता था विदेशों के दबाव में भारत के हित में जो फैसले लेने होते थे भारत के हित वाले फैसले में भी भारत को संकोच करना पड़ता था और कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था। लेकिन अब वो समय जा चुका है। भारत के ऑफिशियल अब सीना ठोक कर चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोपियन यूनियन की कंट्री हो बराबरी की बात करने के ऊपर आ गए हैं। भारत अब बराबरी नहीं करेगा तो भारत की गलती है क्योंकि भारत की आज जरूरत है अमेरिका यूरोपियन यूनियन की कंट्री को। यही कारण है कि आज तो ये भारत के पैरों का पानी भी पीने के लिए उत्सुक हैं और भारत जो भी कहेगा ये बांधने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। दोस्तों अमेरिका के अंदर भारत के विदेश मंत्री ने अपनी डिप्लोमेसी का डंका बजा दिया है। अमेरिकन पत्रकारों को जगह नहीं मिल रही है भागने की क्योंकि भारत के विदेश मंत्री के सामने वो सवाल तो ऐसा एक कॉम्प्लिकेटेड रखते हैं लेकिन उस कॉम्प्लिकेटेड सवाल का जब भारत के विदेश मंत्री जवाब देते हैं तो चमाटे की तरह अमेरिकन पत्रकारों का मुंह लाल हो जाता है। क्या खबर है, खबर सुनोगे आपको मजा ही आ जाएगा। आपने देखा भारत ने रशिया से तेल खरीदा, अमेरिकन पत्रकारों की जान निकल गई थी। भारत ने 1-2% तेल खरीदा। भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि इतना फिक्र मत कीजिए, भारत जितना तेल खरीदता है ना एक महीने के अंदर उतना तो यूरोप वाले एक आफ्टरनून के अंदर खरीद लेते हैं। आपको फोकस करना चाहिए, यूरोप की तरफ फोकस करना चाहिए, भारत की फिक्र मत करो। चलो अमेरिकन पत्रकारों का मुंह बंद हो गया और पूरी दुनिया के अंदर अमेरिकन पत्रकारों की थू थू हो रही थी इस बयान को लेकर। लेकिन अमेरिकन पत्रकार सुधर जाएं ये कोई बात हुई? अमेरिकन पत्रकार फिर से आ गए हैं और ह्यूमन राइट के मामले में भारत को कोसने लगे हैं। हालांकि अमेरिका के विदेश मंत्री भी कह रहे हैं कि ह्यूमन राइट के जो रिपोर्ट्स भारत के अंदर आ रही है उसको लेकर हम चिंता व्यक्त करते हैं। अब इतना बड़ा ब्लेम भारत के ऊपर लगा दिया और भारत के विदेश मंत्री के मुंह के सामने लगा दिया और भारत के विदेश मंत्री के चुपचाप तरीके से अमेरिकी विदेश मंत्री को सुनते रहे, जी नहीं, वो समय चला गया है। यही कारण है कि भारत के विदेश मंत्री आते हैं और वो कहते हैं कि सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं, हमारे दोनों के बीच, भारत और अमेरिका के विदेश मंत्री के बीच ह्यूमन राइट के इशू को लेकर कोई भी बात नहीं हुई है। और जहां तक बात है ह्यूमन राइट के बातों को लेकर जो अमेरिकी विदेश मंत्री ने बोली हैं उसको लेकर हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो व्यू पॉइंट अमेरिका के विदेश मंत्री का है भारत के मामले में ह्यूमन राइट के इशू को लेकर, वही व्यू पॉइंट भारत भी है, भारत का भी है और भारत भी अपने व्यू पॉइंट रख सकता है अमेरिका के मामले में जो ह्यूमन राइट के वायलेशन हो रहे हैं, ब्लैक लाइव्स मैटर, इसी के साथ भारतीय कम्युनिटी के ऊपर जो अटैक होते हैं, सिखों के ऊपर जो अटैक हुआ है उसको लेकर भी भारत के विदेश मंत्री ने कहा है कि हम भी बहुत चिंतित हैं अमेरिका के अंदर जो ह्यूमन राइट के वायलेशन होते हैं। और ये कॉमन सी बात है, इसके लेकर कोई ज़्यादा वो बात नहीं है कि अमेरिका चिंता जता रहा है भारत की ह्यूमन राइट को लेकर तो भारत भी चिंता जता रहा है अमेरिका के ह्यूमन राइट को लेकर। ये बातें भी हो गई, अमेरिका के पत्रकारों का मुंह बंद कर दिया भारत के विदेश मंत्री ने, और करे भी क्यों ना, क्योंकि इनकी बहुत एक दादागिरी हो गई है, अब इन्हें भारत की जरूरत है तो भारत के नखरे भी इन्हें सहने पड़ेंगे। चलो इसके बाद जी रशिया के S-400 को लेकर इन्होंने कहा कि आपके ऊपर तो जी अमेरिका के काटसा सैंक्शन लगेंगे, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? तो अमेरिकी विदेश पत्रकारों की इस बात पर भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि अमेरिका के तो ये घर के नियम कानून हैं जिसके अंदर सैंक्शन लगाए जाते हैं जो अमेरिका के विरोधी कंट्रीज हैं, लेकिन जरूर ये उनके घर के कानून हैं, इसका फैसला भारत के ऊपर सैंक्शन लगाने या नहीं लगाने हैं इसका फैसला अमेरिका करे, लेकिन भारत ने जो फैसला किया है अपने हित के हिसाब से किया है और जो भारत के हित में है उस हिसाब से ही हमने ये फैसला लेकर S-400 खरीदा है। अमेरिका ने सैंक्शन लगाना है या छूट देनी है ये अमेरिका की सिरदर्दी है, भारत को इसके मामले में कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि ये अमेरिका के घर का कानून है। ये तीन बातें दोस्तों, भारत की डिप्लोमेसी का डंका बज गया है और अमेरिका को ये संदेश है कि अमेरिका भारत के साथ बात करना चाहता है, आगे चलना चाहता है तो भारत भी अमेरिका के साथ चलना चाहता है, लेकिन अब बात ये नहीं होगी कि भारत गरीब है भारत कमजोर है तो हम भारत को सहारा दे रहे हैं, बात होगी तो बराबरी की होगी। अगर आपको भी लगता है कि भारत के अंदर ह्यूमन राइट के वायलेशन हो रहे हैं तो भारत को भी लगता है कि अमेरिका के अंदर भी ह्यूमन राइट के वायलेशन हो रहे हैं, और अगर आप जैसी स्टेटमेंट दोगे वैसा ही बयान भारत की तरफ से भी आएगा क्योंकि आपने भी ह्यूमन राइट के मामले में
चांद चढ़ा रखे हैं अमेरिका के अंदर और ये पूरी दुनिया जानती है और इसको लेकर हम भी चिंतित हैं। खैर, भारत के विदेश मंत्री ने अपनी डिप्लोमेसी का डंका बजाया। आपका क्या कहना है भारत के विदेश मंत्री के बारे में, कमेंट में बताइए।